चालान में दो माह से बंद पड़े नलकूप जिम्मेदार मौत। नगर पंचायत माधोगढ़ चितौरा स्टैंड एवं नथु राठौर के घर के सामने लगभग दो माह से गंदा पानी दे रहा है। जिला योजना समिति सदस्य अरविंद सिंह सेंगर वार्ड नंबर दो सभासद ने जिसकी शिकायत उप जिलाधिकारी माधोगढ़ सुरेश कुमार पाल को लिखित रूप में दी। शिकायत में उन्होंने बताया कि कर्मचारियों द्वारा पूर्ण तरीके से लापरवाही की जा रही है। बोर्ड मीटिंग में प्लम्बर से जब उन्होंने ठीक करने की बात कही तो साफ मना कर दिया। उसने कहा कि तुम जाकर किसी से भी कहो, हम ठीक नहीं करेंगे। पीड़ित ने उप जिलाधिकारी से समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। जी सर, मेरा नाम अरविंद सिंह सेंगर है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मेंबर हूँ, सभासद हूँ इस वार्ड का। अच्छा, कितने नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर दो है। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या है, चूँकि सबसे प्रमुख समस्या जो है कि नगर पंचायत माधोगढ़ के अंदर इस वार्ड में जो मेन चौराहा है नगर का, इसमें एक तो पीने की कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। मुख्य चौराहा नगर पंचायत द्वारा जब हमने काफ़ी शिकायतें की तो उसके बाद एक मटका रखाया गया था वहाँ प्रतीक्षालय पर, लेकिन उसके बाद वो हटा दिया गया मई के समथिंग। तो उसके बाद से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और पानी के लिए एक जो नल लगा है जो एक तरह सफ़ेद हाथी है, टूटी चैन उसकी, और बताते हैं लोग उसका पानी पीने योग्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसकी पानी की जो समस्या है वो दूर की जाए। और यही एक नल नहीं है, बाढ़ में एक जगह नथु राठौर के मकान के बगल में भी एक नल और है, उसमें भी समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इससे संबंध में आज मैंने माननीय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को अवगत कराया, तो जब वहाँ पर जल संस्थान से संबंधित या जो हमारा प्लम्बर सहायक और जो हैं उनसे पूछा गया, तो उसने कहा कि हमारे पास समय नहीं है या फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। तो उसका जवाब संतोषजनक नहीं था और काफ़ी अभद्र व्यवहार था वहाँ पे माननीय अधिशासी अधिकारी से। तो इस बारे में उनको शीघ्र ही हम डीएम साहब, एसडीएम साहब को ही अवगत कराएंगे, ज्ञापन देंगे। अच्छा, यहाँ ये गंदगी पड़ी हुई है नल के पास अपने, तो लोग यात्री वगैरह जो आते हैं पानी वगैरह पीते हैं अपने, तो ये यहाँ पर ऐसी पड़ी रहती है? ये प्रायः ऐसी रहती है, नगर पंचायत कभी कभी सफाई करा देती है, लेकिन उसके बाद नगर पंचायत ने, आप जान ही रहे होंगे, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर ये सामने जो दिख रहा है आपको, लाखों रुपये सरकार देती है खर्च के लिए, स्वच्छ भारत अभियान हो, सफाई हो, चारों हो, लेकिन आप देख रहे हो चाहे शौचालय हो चाहे ये हो, व्यवस्थाएँ बहुत ही दुर्दशायुक्त हैं और बहुत ही निंदनीय स्थिति है। तो क्या नगर में कोई सफाई कर्मचारी नहीं है क्या? नगर में काफ़ी सफाई कर्मचारी हैं, अभी रिसेंटली नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा अभी काफ़ी भर्तियां की गई थी, उसमें समाज के सभी वर्गों को ध्यान दिया गया और हमारे ब्राह्मण समुदाय से भी एक दो लोग लगे हैं, एक शिवा मिश्रा जी हैं और एक राजे कुछ अखिलेश कुमार द्विवेदी जी भी हैं, सफाई कर्मी पोस्ट पर नियुक्त हुए हैं। तो मुझे लगता है सफाई की व्यवस्थाएँ सुदृढ़ हो रही हैं नगर पंचायत में और धीमे धीमे इस बार भी काम होगा। नगर पंचायत में हालांकि अभी कुछ कर्मचारियों की कमी भी थी, तो एक प्लम्बर साहब भी राजेश यादव जी को लगाया गया है और ये गुलाब सिंह जी हैं, लेकिन काम के प्रति थोड़ा हमें मुझे लगता है सजग होना पड़ेगा उन लोगों को और चीज़ें तभी सुधार में आ पाएंगी। क्या चाहते हो आप लोग? मुझे लगता है कि व्यवस्थाओं में अगर परिवर्तन लाना है तो माननीय अधिशासी अधिकारी महोदय और चेयरमैन साहब जिस तरीके से काम कराना चाहते वैसे नहीं होगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर काम कराना पड़ेगा। चीज़ें बहुत ही गंदी हैं इस वक्त, बाढ़ में जगह जगह पानी जल भरा हुआ है, बल्ब भी नहीं है कहीं कहीं, और लोग उसी जलमग्न जगह से होकर निकल रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल नगर पंचायत को माना जाएगा या वार्ड सभासद को माना जाएगा कि आपने उसमें कोई काम नहीं किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन को ये बात अवगत हो जाए कि मेरी तरफ से सबको अवगत करा दिया गया है बोर्ड मीटिंग के माध्यम से माननीय अधिशासी अधिकारी महोदय को, लेकिन अभी तक कोई बात पर संज्ञान नहीं लिया गया।